हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? व्हाट्स अप? आई होप सबकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी तो बहुत ही अच्छी चल रही है। आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है अराउंड 3 o'clock। मैं अभी जस्ट निकली हूँ। जिन लोगों ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा वो उन्होंने जाके जरूर चेक करना। लास्ट व्लॉग में मैंने एक क्रिसमस ट्री लिया था और एक रिंग लाइट ली थी कैनेडियन टायर से, तो वो रिंग लाइट छोटी आ गई थी। आई एम गोइंग टू चेंज दैट रिंग लाइट नाउ और उसके बाद मैं जाऊँगी कुछ खाने पीने शायद एज यूजुअल। और क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन लेनी है। वैसे तो हम कैनेडियन टायर से उस दिन ले सकते थे, बट हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि वहाँ पे बिट ऑफ एक्सपेंसिव थी। आई एम थिंकिंग एन अनदर ऑप्शन। सो अभी फटाफट चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हमें क्या मिलता है और हम कहाँ जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग। चलते हैं गाइज। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैंने आज प्रॉपर पहना है, लाइक हेयर बैंड कवर कर लिया ईयर्स, क्योंकि ठंडी हो रही है। वैसे पूरा सनी रहा, लाइक सन निकल रहा है प्रॉपर, बट टेम्परेचर हो रहा है अराउंड 7 और काफी लाइक है ना, ठंड सी लग रही है। मतलब कानों में ठंड लग जाती है तो फिर सर दर्द होने लग जाता है। सो मैंने सोचा आज हेडबैंड पहन के चलते हैं। फटाफट निकलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं प्लाजा के अंदर और हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या खाना है। और जो हम देखने आए हैं वो है, हम मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा, डोलारामा। सो यहाँ से मेरे को डेकोरेशन एक बार चेक करनी है, तो अभी फटाफट पहले डेकोरेशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कुछ खाने पीने। लेट्स गो। देखो यहाँ पर क्रिसमस की पूरी प्रॉपर वाइब आ रही है। यहाँ पर डेकोरेशन के मटेरियल एंड ऑल भी, लाइक गिफ्ट रैपर्स वगैरह आ चुके हैं। और मुझे जो 2-3 आइटम लेने हैं तो मैं फटाफट लेती हूँ। डोलारामा यहाँ का चीपेस्ट स्टोर है। गाइस, मैं इतने दिन से वो ग्लास क्लीनर ढूंढ रही हूँ, स्पेशल ग्लास क्लीनर वाला। आई डोंट नो, वो डोलारामा ने डिसकंटिन्यू कर दिया, क्या सीन है उसका? और नहीं हैगा, इधर रहा विंडेक्स। यस, आई नीड दैट। बट पता नहीं इनकी स्प्रे वाली बोतल क्यों नहीं दिख रही मुझे आजकल। मैं कितनी बार कोशिश करी कि मेरे को स्प्रे वाली बोतल मिल जाए, बट मुझे ऐसा ही लेना पड़ेगा आई गैस। या सो गाइस, मैंने ये वाला लिया है विंडेक्स स्ट्रीक साइन, क्योंकि मेरे घर के मिरर अच्छे से क्लीन नहीं हो रहे हैं। सो दोस्तों, डोलारामा में मिल गई है मुझे डेकोरेशन और आप देख सकते हो कि मैक्सिमम यहाँ पर $5 का है जो भी है, इससे ऊपर नहीं है। और मुझे काफ़ी कुछ सारा चाहिए, तो मैं अभी फटाफट यहाँ से ले लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सही, कैनेडियन टायर में मैं ले सकती थी पर वहाँ पे एक्सपेंसिव था, बट हमारे पास ये ऑप्शन है तो हम ये वाला चूज़ करेंगे। राइट, सो गुड। वाओ, इतना सब कुछ डेकोरेशन का ले लिया है। जा रही हूँ बिलिंग लाइन में और काफ़ी अच्छा रहा कि मैंने ट्राई किया वहाँ से ना बाय करके, यहाँ से देखा कि आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी चीप भी है, लाइक $4-5 मैक्सिमम है। सो अभी देखते हैं कितना बिल आता है। आई एम वेटिंग, नो वन इन ऑन का कैशियर। डेकोरेशन ले लिया है फाइनली, आई एम सुपर सुपर हैप्पी। और हम जा रहे हैं सर्वना भवन लंच करने। टाइम हो रहा है अराउंड 4 और जो डोलारामा का बिल आया वो आया अराउंड $76 इंक्लूडिंग माई डेकोरेशन एंड सम होम स्टफ। तो फिर भी बहुत प्रीटी डील पे मेरे को सारी चीज़ें मिल गई है जो भी मुझे चाहिए थी, लाइट्स एंड ऑल्स एवरीथिंग फ्रॉम डोलारामा। और मैं आपको अभी घर जाके क्रिसमस ट्री लगाने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि कैसा रहता है। सो लेट्स गो, हम कुछ खाते पीते हैं एंड इट्स क्वाइट बिग रेस्टोरेंट। खाना खा लिया है, खाना ओके ओके था। आई वॉन्ट से कि बहुत ही अच्छा था या बहुत ही बेकार था, ओके ओके था खाना। और आज एक और कलोल हुई हमारे साथ, हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए। मैंने हमेशा भटूरे दो पेयर में देखा, लाइक दो भटूरे जब भी हम ऑर्डर करते हैं दो आते हैं राइट हमारी प्लेट में। इनके यहाँ पर हमें एक ही भटूरा मिला, विच इज़ लाइक सरप्राइजिंग फॉर मी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि भाई भटूरे का पेयर नहीं है। सो एनी हाउ, अभी हम निकल लिए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। अभी हम एक जाने वाले हैं थ्रिफ्ट स्टोर पर मोस्ट प्रोबेबली, और पहले हम जाएंगे कैनेडियन टायर चेंज कराने। और जो हमारी रिंग लाइट थी पिछले वाले व्लॉग में, जिसने नहीं देखा आपको पता होगा कि मैंने रिंग लाइट ली थी, तो वो चेंज करानी है। डेकोरेशन हमारा डन हो गया है, जाकर हम घर पर जाकर हम लगाएंगे क्रिसमस ट्री। तो आज का व्लॉग भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, ऐसे व्लॉग को प्यार देते रहे, देखते रहे। चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। सो गाइस, फाइनली पहुँच गई हूँ कैनेडियन टायर। फटाफट करती हूँ रिटर्न और उसके बाद निकलते हैं। लॉल, ये आउट वाली एग्जिट थी, हम उसमें चले गए, हमें इन वाली में जाना है। सो अभी चलते हैं फटाफट। सो गाइज, मुझे एक चीज़ बतानी है। ये देखो, मुझे रिटर्न में ये अमाउंट आया है। यहाँ की रिटर्न पॉलिसी इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट है, लाइक अगर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आता, तुम्हारे पास 1 month का टाइम होता है, आओ अपना स्टफ़ रिटर्न करो और तुम्हें मोस्ट ऑफ द जगह 100% रिटर्न मिलता है।
सो हमने जो पे किया था हमें वो वापस मिल गया, विच इज़ वेरी गुड. मतलब मेरे साथ क्या, मतलब मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे यही करते हैं कि चीज़ें ले जाते हैं, अगर नहीं पसंद आती तो दे विल गोना रिटर्न इट बैक. मेरे को ये वाली चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी. सो अगर आप कभी भी कुछ चीज़ ले रहे हो और आपको नहीं समझ आ रही तो डेफिनेटली आप रिटर्न कर सकते हो. और नाउ तो अभी सेल सीजन है, अभी तो हमें रिटर्न पॉलिसी 3-3 months की मिलेगी, लाइक 3 months. सो इफ वी विल गोना बाय समथिंग नाउ सो वी कैन एक्सचेंज टिल जनवरी, विच इज़ अ ग्रेट टाइम. लाइक तुम आराम से अपना स्टफ देख सकते हो एंड देन यू कैन चेंज इट. तो कैसा ब्यूटीफुल फॉल चेंज हुआ है विंटर में यहाँ पर, और काफ़ी अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अराउंड 4:30 हुआ है, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट लाइक डार्क शो हो गया. और यहाँ पर जैसे जैसे अभी थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ेगा आगे विंटर्स का, 4:00 यहाँ पर लिटरली ऐसा डार्क अंधेरा हो जाएगा. मतलब ऐसा लगेगा आधी रात तो अभी हो गई है, तो फिर इट्स टू बैड. मतलब गर्मियों में 10 बजे तक यहाँ सूरज नहीं छुपता है, सर्दियों में यहाँ 4 बजे पे ही धूप वो डार्क हो जाता है. सो गाइज हम आ गए हैं स्वीट शॉप पर, कुछ स्वीट्स लेने हम निकल रहे थे रास्ते से, तो हमें दिख गई वाली शॉप, और ये बहुत अच्छी शॉप है. मैं बाहर जाकर बताऊंगी आपको इस शॉप के बारे में. सब मुझे बताना था आप लोगों को कि ये वाला क्लिंजर है ऑयली स्किन के लिए, और ये बेस्ट क्लिंजर है अगर किसी को एक्ने हैं, सेंसिटिव स्किन है. मैं शॉप पर से आई हूँ ये वाला क्लिंजर लेने, क्योंकि इस शॉप पर पास ही था. सो अभी मैं जा रही हूँ पे करने, और आई वुड रिकमेंड हाईली पर्सन सारा भी 100% आप लोग ट्राई कर सकते हो. शॉपर पे भी फुल क्रिसमस वाइब है और बहुत सारी सेल एंड क्लियरेंस लगी हुई है. सो मैं चलती हूँ बिलिंग की तरफ, अदरवाइज आई एम गोना स्टॉप बाइंग समथिंग एल्स एज़ वेल. सो गाइस टाइम हो गया है 5:40, वी आर गोइंग फाइनली बैक होम. एक दो काम थे तो हमने कर लिए हैं, अभी हम घर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं घर जाकर. क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन करेंगे और डिनर कुक करेंगे. सो लेट्स गो. सो गाइज आई एम बैक होम. मैं गई थी जब मैं पूरी क्लीनिंग करके गई थी, और मैं अभी करती हूँ गैस की सेटिंग. गाइज मैं इस शॉप की बात कर रही थी स्वीट की, अगर सरी में किसी को ट्राई करनी है तो मस्ट ट्राई सांझा पंजाब. दे आर 100% वेजिटेरियन, कोई शूट आउट नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, बस मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. इनकी स्वीट्स बहुत अच्छी है, और अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया के स्वीट से तो दे आर बिट ऑफ दैट काइंड. सो आप डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, तो आप चेक कर सकते हो सांझा पंजाब 96128 पर. डेफिनेटली. और आपको देखना मैंने क्या लिया है. यम्मी. सो गाइस मैंने रख दिया इसमें चाय उबालने के लिए, इस वाले गैस पे रखा है मैंने दूध दही जमाने के लिए, और कल की लंच की भी प्रिपरेशन कर दिया मैंने, चने भिगो के रख दिए हैं. ये पूरे रात भर सोक होंगे. ये बर्तन मुझे शिफ्ट करने हैं क्लोज़ेट में, बहुत सारा मुझे काम है वो करते हैं, और आराम से देखेंगे 1 घंटे का बिग बॉस का एपिसोड. मिलते हैं आपको बिग बॉस बहुत देखने के बाद. अभी तो टायर्ड हो गए थे कि हमने खाना बनाया, और फिर मैं सो गई. सो गाइज दिस इज माई क्रिसमस ट्री फाइनली. मैंने जो आप लोगों को दिखाया नहीं था तो मैंने सोचा अभी लगाते हैं इसे. प्लान तो था कि हम कल रात को लगाएं इसे. मैं घर आ गई थी, मैंने खाना वाना खाया, और उसके बाद आई डिडंट फील कि मैं इसे लगाऊं उसी टाइम, तो मैंने सोचा कि अब लगाते हैं आप लोगों के लिए. एंड नाउ आई एम फाइनली डूइंग ओपनिंग. कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रही है जिंदगी आप लोगों की? अगर आप लोग इस क्रिसमस ट्री की कॉस्ट सोच रहे हैं, हाइट सोच रहे हैं, तो इस क्रिसमस ट्री की हाइट है 4 feet, और इसका कॉस्ट था समवेयर, ये सेल पे था तो इसका कॉस्ट हमें पड़ा $60 प्लस टैक्स. सो यस, और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कितनी सारी डेकोरेशन ली है, वीडियो में आ रही होगी आगे, वो सब आज लगाने वाले हैं. तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाएं और ब्लॉग बनाएं सेटअप करते करते कि कैसा रहा हमारा क्रिसमस ट्री. गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम, लाइक मेरे को 3 साल हो गया कनाडा में, और मेरा फर्स्ट टाइम ये मैं क्रिसमस ट्री ऐसे मेरे को लगाने का शौक लगा है, क्योंकि फाइनली आई हैव अ स्पेस. एंड आर यू गाइस एक्साइटेड टू सी दिस? मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने साथ साथ, क्योंकि पहले मैं शेयरिंग में रहती थी तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं होता था. आई हैव टू मैनेज विद अदर गर्ल्स, बट नाउ I am the only queen of this house. I don't know, it's looking like this. So, abhi hum isko nikal.
यहाँ सब कुछ है, ये सारे स्ट्रीट की स्टैम्प्स हैं जो मुझे निकालने हैं। गाइस आप लोग बताना अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ या मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए होगा इसमें लगाने के लिए, या मैं इसे कैसे बेटर बना सकती हूँ, तो जरूर अपने कॉमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना। This is the menu. साथ साथ मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। I am having my fruits. आप लोगों को दिख रहा होगा, I'm having kiwi and nectar. Kiwi मेरा बहुत फेवरेट है। कंडीशन और इतना इसको मैंने खोल दिया है, ये बहुत टाइम ले रहा है इसको ओपन करने के लिए। और इसकी एक डंडी मैंने ये बना के रख दी है, दूसरी डंडी ये पड़ी, ये बनाते हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए इसके एक एक लीफ ओपन करते करते, तो अभी तक का लुक ऐसा है। गाइस देख रहे हो आप लोग, इसको सेटअप करने में इतना टाइम लग रहा है। और हम तो सोच रहे हैं जिन्होंने बनाया होगा उन महाशय ने इसको कैसे बनाया होगा, एक एक लीफ को ऐसे रोल किया हुआ है। सो दैट इज अनदर ह्यूज टास्क आई वुड से। और अभी तो ये ऊपर वाली सारी खोल लिए, इधर वाली यहाँ तक नीचे की बस दो स्टैम्प खुल गए। तो दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद इसे कर दिया है हमने तैयार यहाँ तक। आप देखो ऐसा सो दिख रहा है। और मैं अभी इस पे लगाने वाली हूँ डेकोरेशन। सो होल्ड ऑन अ मोमेंट। इज द डेकोरेशन जो मैंने ली थी कल, और आप लोगों को भी दिखाई। सो अभी करते हैं डेकोरेशन, लगाते हैं फटाफट, आप लोगों को भी दिखाते हैं। दिस इज टॉयलेट पेपर, मैंने तो बैग से कुछ निकाला ही नहीं। दीज आर द पिंस टू होल्ड दीज। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, कुछ भी कमी हो या मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। सो गाइस क्रिसमस ट्री हो गया आधा आधा सा, दूरा दूरा सा रेडी। मैं जा रही हूँ शावर लेने फटाफट, क्योंकि आई एम गोइंग फॉर अ मूवी टुनाइट। क्रिसमस ट्री आपको कंप्लीट दिखाऊंगी आकर, बिकॉज अभी लाइट्स रह गई हैं और थोड़ी सी डेकोरेशन रह गई है। इफ नॉट टुडे देन फॉर श्योर टुमारो। बट अगर आप लोगों को मेरा हार्डवर्क पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बता दें कि कैसे लग रही है, कैसा लग रहा है क्रिसमस ट्री। चलते हैं नहाने के लिए, बाय बाय। सो गाइस इतना गार्बेज कर दिया मैंने, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्रिसमस ट्री कैसा लग रहा है। और आप लोग भी मुझे बता सकते हो कि कुछ और ऐड करना है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, मिनिमल और सुंदर। दिस इज हाउ इट लुकिंग। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये है पूरी क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन, एंड दिस इज माय फेवरेट पीस ऑफ डेकोरेशन। बाकी अभी लाइटनिंग ऑफ करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, फिर आप मुझे बताना। गाइस तो ऐसा लग रहा है लाइटनिंग ऑफ करने के बाद, पूरा आ नहीं पा रहा है स्क्रीन में ना। तो दिस इज हाउ इट लुकिंग। गाइस सो मैं मूवी देखने से पहले आ गई हूँ क्रिस्पी क्रीम, इसके डोनट्स बहुत फेमस है, कुछ लेंगे यहाँ से एंड उसके बाद जाएंगे। और आप देख सकते हो अभी तो फेस्टिवल के स्पेशल्स भी आए हुए हैं। गाइस देखो और बताओ आप लोगों को कौन सा खाना है। सो गुड guys, this is what I got. So the side one which have some nuts on it, it's a
एप्पल पाई वन, दिस इज द पम्पकिन पाई मिडल वन, एंड दैट्स देयर ओरिजिनल ग्लेज डोनट, और ये मुझे $4 में पड़े हैं और सुपर सुपर टेस्टी, अगर किसी को ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं, क्रिस्पी क्रीम फॉर डोनट्स, लवली। सो गाइस फाइनली मैं थिएटर पहुंच गई हूं और मैं जा रही हूं ऑडिटोरियम की तरफ, और चलते हैं फटाफट मूवी देखते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि कैसा रहा रिव्यू यहाँ का। और यहाँ के थिएटर इंडिया के कंपेयर में स्मॉल होते हैं, काफ़ी स्मॉल होते हैं, लाइक मेरे को लगता है कि इंडिया के थिएटर हमारे काफ़ी ज़्यादा बिग स्केल पर काफ़ी बड़े हैं, बट चेयर्स यहाँ की बहुत अच्छी होती है। सभी फटाफट चलते हैं ऑडी की तरफ और मिलते हैं आपको मूवी देखने के बाद, बताते हैं कैसा रहा मूवी का रिव्यू। ऐसा सा है गाइस, देख लो आप लोग थिएटर का बाहर का लुक, और यहाँ पर काफ़ी सारी हिंदी पंजाबी एंड इंग्लिश तीनों टाइप की मूवीज़ लगी हुई है। सभी चलते हैं अपने थिएटर ऑडी नंबर 9 पर। सो गाइस मूवी देख के निकल लिए हैं और बहुत वंडरफुल मूवी है, अगर किसी को देखनी है तो दृश्यम की स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, फैमिली मूवी है। बॉलीवुड में वैसे भी बहुत कम मूवीज़ लाइक इस स्टोरीज पे आती है, बट एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को देखना है तो मज़ा आएगा, ज़रूर देखें। मेरी तरफ से हेड्स अप है मूवी के लिए। और अभी हो रहे हैं टाइमिंग मिडनाइट, अभी निकलते हैं घर की तरफ, और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो ऐसे प्यार देते रहें, शेयर करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।